समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। सोनभद्र हत्याकांड को लेकर धरने पर बैठी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 26 घंटे के बाद धरना समाप्त कर दिया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हर एक मृतक परिवार को 10 लाख का अनुदान दिया जाएगा। इस बीच प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार वालों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित परिवार वालों ने सोनभद्र की दर्दनाक घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा 17 तारीख को 11 बजे लोग बंदूक डंडों के साथ पहुंचकर विवादित जमीन जोतने लगे। हम लोगों ने विरोध किया तो मारना शुरू कर दिया गया। हम चाहते हैं कि ट्रस्ट की जमीन आदिवासियों के बीच बांट दिया जाए। पीड़ितों ने आगे कहा कि हमें पता चला है कि प्रियंका गांधी को प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है, तो हमने यहां आने का फैसला किया। हम दुख दर्द बताने के लिए आए हैं। बीएचयू ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए पैसे मांगे गए। हम लोगों पर गुंडा एक्ट भी लगाया गया। प्रशासन से हम नहीं मिले, वो समझौता करवाना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि ये मामला अदालत में है। उन्होंने आगे कहा प्रशासन की सहमति और मिलीभगत से पूरी घटना हुई है। घटना के सुबह पुलिस ने फोन कर थाने बुलाया, आशंका जताने पर कहा कि कुछ नहीं होगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस तरह पूरी योजना से गोली चली है वो भयावह है। घटना स्थल पर 300 लोग पहुंचे थे, जो गोली से नहीं मरा उसे डंडों से मारा गया। महिलाओं को ईंट से मारा गया। मदद के लिए प्रशासन वक्त पर नहीं आया। महिलाओं पर फर्जी मुकदमे दायर किए गए हैं। पीड़ित परिवारों को 25 लाख का अनुदान मिले, जमीन पर इनका मालिकाना हक मिले, मामला फास्ट ट्रैक किया जाए, गलत केस खत्म किए जाए, इन सब की सुरक्षा जरूरी है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि मैं शासन से कहना चाहती हूं कि मामले की जांच हो और अन्याय को खत्म करने के लिए कदम उठाएं। मेरा मकसद पूरा हो गया है, अभी तक मैं हिरासत में हूं, जैसा प्रशासन कहेगा करूंगी। देश इनके साथ खड़ा हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अनुदान की राशि दी जाएगी। भविष्य में पीड़ितों के गाँव भी जाऊंगी, हम कानूनी सहायता प्रदान करवाएंगे। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की है। शासन जनता की सेवा के लिए होता है, उन्हें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हर पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देगी। प्रशासन द्वारा तमाम मुकदमे जारी किए गए हैं, तो काफी ऐसी महिलाएं भी हैं जिन पे फर्जी मुकदमे जारी किए गए हैं। आप बता रहे थे कि काफी गांव वालों पे इस तरह की चीज, इस तरह के फर्जी मुकदमा हमारे गाँव के लगभग 90-95 लोगों को, एक आदमी 3-4 दफ़ा जो है कि पुलिस केस लगा करके न्यायालय में भेज दिया गया है। आज तक हम लोग अपना जमानत भी नहीं करवा पाए हैं, जो कि झूठा कभी भी उनसे हमारा कभी जो प्रधान से आज गोलीबारी बंदूक से हमारे लोगों को मार दिया गया, उस प्रधान से मुलाकात पोजीशन में हुआ है तो 17 तारीख को हुआ है, नहीं तो कोर्ट में थाने में उसी जगह मुलाकात हुआ है, कभी भी नहीं हुआ। लेकिन वो थाना उनकी मुट्ठी में, उनके दबाव में है, जो एक अप्लीकेशन लिख के 35-40 लोगों का नाम दे दिया, उनके नाम से मुकदमा लिख करके न्यायालय में भेज दिया जाता है। अब मुलाकात हो गई, अब आपकी डिमांड ने उन लोगों से बात करने के बाद क्या है? इन्होंने मुझे बताया कि और 5-6-7 लोग हैं कि हम लोग गुंडा एक्ट भी हम लोग ऊपर है, अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। गुंडा एक्ट हम लोग का है, मुलजिम बना हुए हैं उसमें, इसके पीछे जी पूरे आल अधिकारी जितने शासन प्रशासन सोनभद्र के सभी लोग इस बात के जानते थे, उनके मिली लोग थे ऐसे कि उनके हाथ में गरर बंदूक था, बाकी लोग हाथ में लाठी डंडे थे। तो विवादित जमीन को न जोत करके, जो कि काश्त का मेरा जमीन है, उसको जाकर के जोतने लगे थे। हम लोग, हमारे गांव के महिलाएं और हम लोग मौके से वहाँ पहुँचे, तो एक बार पहले उनसे बात करेंगे तब फिर आगे कोई बात बढ़ेगी। लेकिन यूँ ही हमारे गांव के माँ बहनें भाई पहुँचते हैं, ताबड़ तोड़ लाठी गोजी बंदूक से मारकर सबको बिछा दिए। हम प्रशासन सबको फ़ोन किए, लेकिन मौके से कोई नहीं पहुँचा। और इसके बाद एक घंटे के बाद प्रशासन आती है, उस समय 4-5 लोग वहाँ से दम तोड़ चुके थे, बाकी लोग साथ प्रशासन की तरफ से कहा गया कि 90 बीघा जमीन जो प्रधान की थी उसके लिए कब्जा लेने गए थे। आप कह रहे हैं कि आपकी जमीन थी, क्या वो उस प्रधान की जमीन नहीं थी? नहीं, वो मेरा हमारे यानी किसी और जमीन पर कब्जा करने के लिए जोत रहे हैं, जो जमीन हम लोग पुश्तों से जोत रहे हैं, जो जिसको जिसका भी मालिकाना हक में नहीं मिल पाया है, पुश्तों से हम जोत रहे हैं, उस जमीन को लोग जाके नहीं जोत रहे थे, जो कि खुद का हमारा गांव का काश्तकार का जमीन था, उसको जाके जोत रहे थे। अभी जो जांच हो रही है, आपको सेटिस्फाई है, संतुष्ट है जांच से फिलहाल? नहीं, क्या कर रही है? नहीं, क्या चाहते हैं आपको बताइए? हम ये चाहते हैं कि जो ट्रस्ट की जमीन जो है उसको पूरी समाप्त करके उसको पूरे गांव में आदिवासी जो हमारे गांव से सबको बांट दिया जाए। आप लोग यहां तक पहुंचे कैसे? जब हम सुने कि दीदी जी प्रियंका जी दिल्ली से चल के 2000 किलोमीटर चल के बनारस गए, हमारे कुछ भाई वहाँ पे भी चल रहे हैं, तब
घायल स्थिति में वहाँ बने हुए हैं, उनकी इलाज भी नहीं हो रहा है। वहाँ जब पहुँचे हैं तो रास्ते में टीवी चैनल वगैरह और मोबाइल में देख रहे हैं कि दीदी जी आ रहे हैं हमारे गांव मिलने के लिए, हम उनको हमारे दुख दर्द में दुख दर्द बांटने के लिए, लेकिन प्रशासन ने उनको गिरफ्तार करके कहीं ऐसे जगह ले गया कि उनको हमसे न मिल पाएँ। और प्रशासन जो है कि हमारे अगल बगल जो नात रिश्तेदार हैं अगल बगल गाँव के, उनको भी आने से रोक दिया, जो कि हमारे हम लोग अपना जो संस्कार धर्म जो करते हैं अपने धर्म के अनुसार जिसे किसी को दफनाया जाता है जलाया जाता है, तो हम लोग दूसरे दिन पूरे अगल बगल रिश्तेदार बुला करके शोक मनाते हैं। प्रशासन ने रोक दिया तो शाम तक प्रशासन पूरी डटी हुई थी, किसी को आने जाने के लिए रोक रखा था। हम लोग जब ये सोचे कि दीदी जी 2000 किलोमीटर चल के यहाँ आ सकते हैं, तो हम लोग दीदी जी के लिए मिलने के लिए हम अपने दुख दर्द बताने के लिए क्या हम 30-35 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं। प्रशासन ने आपको वेतन बढ़ाएगी, एक तो हम आरोप लग रहा है। हम इनके साथ खड़े हैं, जो इनके साथ हुआ है बहुत अन्याय है, बहुत गलत है। हम इनके साथ खड़े हैं, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। इनकी कुछ मांगे हैं, सबसे पहले कि 25 लाख का अनुदान मिलना चाहिए हर परिवार को, जिसमें हत्या हुई है या कोई घायल है उसको 25 लाख का अनुदान मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो मालिकाना हक है, जो पुश्तों से अपनी ज़मीन जोत रहे हैं उस पर मालिकाना हक इनको मिलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि फास्ट ट्रैक पे इनका मुकदमा चलना चाहिए ताकि ये जो मामले हैं ये सुलझ जाएँ। चौथी बात कि जिस तरह से इन्होंने मुकदमे जारी किए हैं निर्दोष गाँव वालों पर, जिस तरह से इनका व्यवहार रहा है उसको बदलें, ये मुकदमे ये जो केस हैं जो लगाए गए हैं वो विड्रॉ करें। और पांचवी बात ये कि जिन जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, इतनी हिम्मत से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, देखिए ये गरीब लोग हैं, आपके सामने खड़े होकर आप इनसे कुछ भी कहलवा रहे हैं, ठीक है, ये गाँव जाएंगे इनको दोबारा प्रताड़ित किया जाएगा, फिर ना आप होंगे। तो बात यह है कि इनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो 2-4 लोग हैं जो लड़ाई एकदम आगे आकर मजबूती से लड़ रहे हैं, जो अपने लोगों के लिए हक मांग रहे हैं, ये राजनीति इन्होंने नहीं की है, ये अपना हक है, इनका मालिकाना हक होना चाहिए उस ज़मीन पे, वो ज़मीन जोत रहे हैं ये पुश्तों से, अपना हक है उसके लिए लड़ रहे हैं। कल को प्रशासन मदद करेगी इनकी तो इनको कोई कुछ वो नहीं है, वो खुश होंगे कि ठीक है प्रशासन मदद कर रहा है। ये इनको राजनीति में फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका जो हक है इनको मिलना चाहिए और इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये इनकी 5 मांगे हैं, मैं इन मांगों से पूरी तरह से सहमत हूँ, मैं खड़ी हूँ इनके साथ। और मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ, शासन से कहना चाहती हूँ कि देखिए जो इनके साथ हुआ है अन्याय हुआ है, चाहे आपके कुछ लोग इस अन्याय में मिले हों, ये आप जाँच करिए। ये कह रहे हैं कि हैं, मैं इनकी बातों पर यकीन करती हूँ, अगर ऐसी बात है आप उन पर कार्रवाई करिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, इनकी मांगों को आप पूरा करेंगे, कुछ अनुदान देंगे परिवारों को, वो हम तय करके बाद में बता देंगे। तो भविष्य में कभी कुंभा गांव आप जाने का, अभी तो इन्होंने रोक दिया, तो भविष्य में जैसे ये लोग चल के आए हैं तो उस गाँव को देखना चाहेंगे? मेरी पूरी इच्छा है कि भविष्य में मैं जाऊंगी उस गांव में और सबसे मिलूंगी, और जब इनको कोई आपत्ति आएगी तो मैं इनके साथ। अब कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाएगी, क्योंकि अभी इनको न्याय नहीं मिला, इनके साथ जो जाति हुई वो साजिश है या नहीं क्लियर नहीं हुआ, इन लोगों के परिवार वाले मिले हैं, आपने जो मांगे? मेरी समझ में जो जमीन पे हक है लीगली कानून के जरिए इनको मिलना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण एक्चुअली वो लड़ाई है, तो ज़मीन पे जो इनका हक है उनको मिलना चाहिए। उस लड़ाई में हम पूरी तरह से मदद करेंगे, हम अपने अधिवक्ताओं से भी कहेंगे, आग्रह करेंगे कि मदद करें। उसके अलावा जो इनकी दूसरी लड़ाई है जो ये लड़ रहे हैं रोज़ कि इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, अब आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतने सारे लोगों की हत्या हुई है, उनके रिश्तेदार दूसरे गाँव से आ भी नहीं आ पा रहे हैं, ये लोग अपने घरों से निकल भी नहीं पा रहे हैं ईजिली, मतलब इन पर भी कोई पाबंदियाँ लगी हुई हैं, तो ये सब चीज़ें भी जो ये रोज़ की लड़ाई है इनकी, ये लड़ रहे हैं, इनमें भी हम इनके साथ। आपको क्या लगता है उस दिन के बारे में जो हादसा हुआ है, जिस तरह से हत्याएं की गई हैं, जिस तरह से गोली चलाई गई है, पूरी योजना से 300 लोग पहुंचे वहाँ, 150 लोग ज़मीन पे आ गए ज़मीन को जोतने के लिए ट्रैक्टर से, 150 लोग नदी के किनारे रुके हुए थे कि कहीं कुछ छिपे हुए थे, बंदूक लेके आए हैं, इन्होंने रोकने की कोशिश किया कि इनके पास कोई हथियार नहीं थे, उनके पास बंदूकें थी, एकदम इनको मारने लगे, पहले लाठियां मारी फिर बंदूक से मारा, जो मरा नहीं गोली से, जो लेट गया था उसको गोली लगी,
उसको भी उसके ऊपर उसके बावजूद की गोली लगी है देखने के लिए कि मरे हैं कि नहीं मरे हैं। उन्होंने डंडे से मारा, डंडे से मारा, एक महिला जिसको ईंट से सर पे मारा। ये स्थिति है, प्रशासन आया नहीं। इन्होंने कहा कि इन्होंने खुद उस समय फोन किया, 1.5 घंटा लगा उनको आने के लिए। उसके बाद अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में भी इनको कहा गया कि आप पैसे, क्या कहा गया, आप कह रहे थे कि पैसे दीजिए इलाज के, जो भी हमारे पीड़ित जो भी। कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जरिए 10 लाख का अनुदान हर हर परिवार में, जहां पे एक हत्या हुई है, मृतक परिवार को अनुदान मिलेगा। घायलों के लिए भी हम कुछ अनुदान देंगे, वो भी तय नहीं हुआ है कि मेरा अब आपका अगला कदम क्या है। मेरा मकसद पूरा हो गया है, अब मैं मिल चुकी हूँ, तो अब देखते हैं शासन प्रशासन क्या कहते हैं मेरे लिए। अभी तक तो मैं हिरासत में हूँ, आपने देखा मुझे यहाँ से आगे नहीं जाने दिया। मैं वेट करती हूँ, जो भी कहते हैं तो देखते हैं। मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं मिलना चाह रही थी, मैं इनकी आवाज़ उठाना चाह रही थी। मेरे लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके सामने, देश के सामने ये बात आई है कि देश के सामने खड़े होकर ये कह पाए हैं कि आज इस ज़माने में इस तरह की क्रूर हत्या की गई है और इनको किसी ने मदद नहीं किया, कि ये आपके सामने। और मैं सबसे कहना चाहती हूँ पूरे देश से कि आप इनके साथ खड़े हों, राजनीति छोड़कर इनके साथ इसलिए खड़े हों क्योंकि इनके साथ अन्याय हो, ये कहना चाहिए। जमानत, मैंने कल भी कहा आज भी कह रही हूँ, जमानत भरने का कोई मतलब नहीं है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। आज तक मुझे इन्होंने बताया भी नहीं है कि किस सेक्शन, मुझे इधर डिटेन किस आधार पे किया है।